गुड आफ्टरनून बच्चों। तो पांच कदम नीट की ओर वाली सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे डे 15, जिसका टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और डे 5 सीरीज में हम लोग 2 दिन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को भी शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी डेज सीरीज में उनको भी शामिल करेंगे। तो पहले हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और उसके बाद हम डे के जरिए क्वेश्चन भी कराएंगे, बुकलेट में जो क्वेश्चन है वो भी कराएंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक कार है जो कि रेस्ट से चलना शुरू करती है। सबसे जरूरी होता है पहले क्वेश्चन को समझना। एक कार है जो कि रेस्ट से चलना शुरू करती है, U इज इक्वल टू 0 और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सीलरेशन से क्या होगा कि कार की स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी। ये सब बातें जो हम पढ़ाते हैं तो हमेशा बोलते रहते हैं कि एक्सीलरेशन की वजह से कार की स्पीड लगातार बढ़ेगी। और इनका कहना है कि 4 सेकेंड चलने के बाद कार से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, एक बात को समझिए, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है उसके बाद उसका सोल्यूशन समझेंगे। 4 सेकेंड बाद जब इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वी हो गई तो एक बॉल को कार से ड्रॉप कर दिया गया। ये देखिए, बॉल को कार से ड्रॉप कर रहे हैं। जब बॉल को कार से ड्रॉप करेंगे तो बॉल की वेलोसिटी भी वी के बराबर होगी और बॉल जमीन की तरफ गिरेगी। तो क्वेश्चन है कि ड्रॉप करने के व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट टी बराबर 6 सेकेंड। तो यहां तक टी बराबर 4 सेकेंड हो गए और उसके बाद 2 सेकेंड और, ये हो गया टी बराबर 6 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड और बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी और बॉल का एक्सीलरेशन क्या होगा। बॉल की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो चुके होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, जो कि टूवर्ड्स अर्थ होगा और एक्स कंपोनेंट हॉरिजेंटल में बना रहेगा। ठीक है ना, तो हमें यहां से यहां तक ये जो टाइम है वो है 2 सेकेंड, क्योंकि ये टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड है और ये टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड है। तो इस घटना के बाद, यानी कि छोड़े जाने के बाद 2 सेकेंड तक हमें एक नेक्स्ट सोल्यूशन बनाना होगा और ये दोनों वेलोसिटीज निकाल कर हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो देखिए, कार के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर फ्रॉम यहां तक आपको क्लियर है। और अब आ जाइए बॉल के लिए। बॉल के लिए पॉइंट पी पर एट पॉइंट पी जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सो 0 प्लस GT, जी की वैल्यू 10 और टाइम है 2 सेकेंड, सो दिस बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से पॉइंट पी पर नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना आपको, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि 20 अंडर रूट 2 या अंडर रूट 220 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एक आंसर आ गया। और अब एक्सीलरेशन केवल वाई डायरेक्शन में होगा जो कि जी के बराबर होगा हॉरिजेंटल, क्योंकि बॉल देखिए कार से ड्रॉप की जा चुकी है। तो अब बॉल का कार से कोई लेना देना नहीं है, बॉल कार से अलग हो चुकी है, बॉल में कोई हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं होगा, केवल वर्टिकल एक्सीलरेशन होगा अंडर ग्रेविटी।
सो द ए विल बी इक्वल टू जी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आंसर विल बी फर्स्ट 20√2 एंड 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन नहीं, बिल्कुल आपके लिए आने लायक क्वेश्चन है, रिलेवेंट है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ 80 मीटर हाई टावर्स, ड्रॉप किया गया, टावर की हाइट 80 मीटर दिया हुआ है। दो सेकेंड बाद ग्रेविटी डिसेपियर हो जाती है, 2 सेकेंड बाद बॉल की वेलोसिटी देखें और बॉल कितना गिर गई है ये भी हम लोग देखें, और उसके बाद इसके बाद ग्रेविटी खत्म हो गई तो बॉल को नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। देन टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड सिंस द ग्रेविटी डिसेपियर्ड। तो यहां से यहां तक का टाइम हमको फाइंड करना है। इस पॉइंट को ए मान लें, बी मान लें और ग्राउंड पॉइंट को सी मान लें। तो सबसे पहले ए से बी तक हम लोग बॉल की वेलोसिटी निकालें, यू प्लस ए टी यानी कि जी टी, यानी कि 0 प्लस 10 × 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, और कितनी हाइट गिर चुके हैं वो भी देख लें, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ध्यान से देख रहे हैं ना, हाफ जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, सो 5 × 4 यानी कि 20 मीटर, सो दिस इज 20 मीटर एंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग बी से सी तक सॉल्व करें, बी से लेके सी तक जो बचेगा, जैसा कि ये 20 मीटर हो गया तो ये कितने मीटर बचा बताइए, 60 मीटर, और ग्रेविटी नहीं है इसलिए, ग्रेविटी नहीं है इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट में कोई एक्सिलरेशन ना हो, ठीक है ना। सो एच इज 60 एंड वी इज 20 एंड टाइम हमें निकालना है, सो टाइम वी गेट 60/20 यानी कि 3 सेकेंड। बहुत अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है और थोड़ा सा फ्रेश टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि 2 सेकंड तक बॉल अंडर ग्रेविटी गिरी और 2 सेकंड के बाद ग्रेविटी किसी वजह से डिसेपियर हो गई, खत्म हो गई, तो अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगी और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम हमको फाइंड करना है। पहले हमने यहां पर वेलोसिटी निकाल ली और ये चली गई दूरी निकाल ली अंडर ग्रेविटी, और अब विदाउट ग्रेविटी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके हमने टाइम को बहुत आराम से कैलकुलेट कर लिया। एक एक क्वेश्चन समझिए, एक एक क्वेश्चन आप समझते जाएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका तरीका क्वेश्चन को समझने देखने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम पड़ता जाएगा, इससे आपको पेपर्स में हेल्प मिलेगी। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और बॉल के पास एक पार्टिकल के पास एक एक्सिलरेशन भी है, दैट इज 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, एक्सिलरेशन भी है। तो 10 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग न्यूटन की पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो यू इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस ए यानी कि 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप × 10, सो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है ना भाई। तो आई कैप से आई कैप ऐड करो तो 5i कैप प्लस j कैप से j कैप ऐड करो तो 5j कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर यानी कि 5√2 5 मीटर पर सेकेंड। तो अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग न्यूटन की जो 3 इक्वेशन होती हैं उनका स्केलर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका वेक्टर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है ना,
अलग अलग एंगल पर हो, यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसी और दिशा में हो और एक्सेलरेशन किसी और दिशा में हो, तब हम लोग वेक्टर फॉर्म से सवाल को लगाते हैं। और अगर वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म से नहीं भी लगाते हैं, काम चल जाता है, वेक्टर फॉर्म से भी लगा सकते हैं लेकिन बिना वेक्टर के भी सॉल्व किया जा सकता है इस केस में। और ऐसे केसेस में वेक्टर फॉर्म से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के लिए क्वेश्चन है, एंगल थीटा, और 4 सेकेंड में ये नीचे आ जाती है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, 4 सेकेंड में ये नीचे आ जाती है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस एस है मान लीजिए, और अब उसी इंक्लाइन प्लेन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/4 डिस्टेंस तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये देखिए, ये 1/4 हो गया, यानी कि ये दूरी s/4 है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है 4 सेकेंड। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्ट किया है रेस्ट से, 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो s जो होगा वो t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो s अपॉन s डैश इज इक्वल टू t अपॉन t डैश का स्क्वायर, तो ये है पूरा s और ये है s/4 इज इक्वल टू t है 4 और t डैश हमको फाइंड करना है। हाँ, इस पर आने में 4 सेकेंड लगते हैं तो यहाँ आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सो दिस इज 4 इज इक्वल टू 4/t का होल स्क्वायर, रूट ले लें तो 2 इज इक्वल टू 4/t, सो वी कैन से दैट टी डैश इज इक्वल टू 4/2 एंड 4/2 यानी कि 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये 1/4 दूरी चल आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने चली गई दूरी और टाइम में रिलेशन निकाल लिया कि इंक्लाइन प्लेन पर जो चली गई दूरी होती है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों केसेस में सेम ही होगा, चाहे पूरा एस चले और चाहे 1/4 चले और चाहे हाफ चले, एक्सेलरेशन तो दोनों केसेस में सेम होगा और उसका मान होगा जी साइन थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम होने की वजह से एस और टी का रिलेशन हम लोगों ने देखा और सवाल को आसानी से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी 10 सेकंड बाद पूछी गई है, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है। ये देखिए, यू इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एक्सेलरेशन इज 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इंटू 10, है ना, सो 3i कैप प्लस 4j कैप एंड दिस इज 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप 4j कैप, 3i कैप 4j कैप, 4i कैप 3j कैप, तो i से i कटे जुड़ेगा तो 7i कैप एंड j से j जुड़ेगा तो 7j कैप, और अब हमें इसका मॉड लेना है तो अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 7√2 m/s, ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसी प्रैक्टिस शीट में पहले भी एक कर चुके हैं 3rd नंबर पे। तो ये आपका डे 15 का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, अब हम लोग डे 16 और डे 17 को भी बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। क्वेश्चन देखते रहिए, 15 क्वेश्चन रोज लगाते रहिए, क्लास मिस मत करिए, थ्योरी कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो क्लास में होना जरूरी, और थ्योरी के क्वेश्चन अगर परफेक्टली सॉल्व करने हैं तो भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो घर में भी की जा सकती है एक बार, लेकिन क्लास करने से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्ट्रांग होती है और थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी मजबूत होते हैं, तो ये सब काम रेगुलर करते रहिए। चलिए।